हेलो किसान भाइयों, मैं रणधीर कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जटाधारी सीड्स में आप सभी किसान भाइयों को स्वागत है। किसान भाइयों देखिए, यह भिंडी का प्लॉट है यानी भिंडी का खेती किया हुआ है। यह ग्रीन चॉइस वैरायटी है किसान भाइयों, ग्रीन चॉइस देखिए कितना बेहतरीन यह वैरायटी है। पूरा प्लॉट में आपको भिंडी दिख रहा होगा, यानी एक एक बित्ता पे रोपा हुआ है और यह पूरा जो है वह खेत भरा हुआ है। किसान भाइयों आपको यह पीला पत्ता दिख रहा होगा कहीं कहीं, ये बारिश के वजह से हुआ है। चार दिन पहले इतना दबा के बारिश हुआ कि भिंडी डूबने के कगार पे था, उसके बाद यह बच के निकला है जिसके वजह से पत्ता पीला है। फिर भी देखिए इसमें फूल और बतिया कितना भरा हुआ है। किसान भाइयों देखिए बतिया और फूल भरा हुआ है, देखिए 1 2 3 यानी 3 4 बतिया इसमें दिख रहा है। इसी तरह से हर पौधा में आपको बतिया दिख रहा है। बस 2 दिन के बाद यह हार्वेस्टिंग लायक हो जाएगा, यानी इसमें से कुछ ना कुछ हार्वेस्टिंग होगी किसान भाइयों। और उसके बाद जब यह स्टार्टिंग हो जाएगी तो 1 दिन बीच करके हार्वेस्टिंग लगातार होगा और कुछ दिन के बाद डेली इसमें से हार्वेस्टिंग करनी होगी। किसान भाइयों यह बहुत ही अच्छा भिंडी की वैरायटी है, किसान भाइयों बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है। आप लोग जरूर ग्रीन चॉइस लगाएं और अच्छा खासा प्रोडक्शन ले। किसान भाइयों देखिए यह पूरा पौधा कितना बढ़िया है, बस आज ही इसमें स्प्रे होगी। वह जो पत्ता पीला दिख रहा है 2 दिन के बाद यह पूरा हरा भरा भर जाएगा, क्योंकि जो भी फंगस का अटैक हुआ है वह ठीक हो जाएगा, पौधा स्वस्थ हो जाएगा, पूरा फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद पूरा हरा भरा रहेगा। किसान भाइयों देखिए यह पत्ता और फिर देखिए इसमें बतिया दिखाई दे रहा है, देखिए बतिया दिखाई दिया कितना अच्छा खासा बतिया है, यानी किसान इस वैरायटी से संतुष्ट है। आप लोग ज़रूर लगाएं। और हाँ किसान भाइयों, इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि खेती से संबंधित सारा जानकारी आपको मिलती रहेगी। ठीक है किसान भाइयों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।